हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेंज स्टडी। हम देखेंगे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आखिर ये जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है क्या होती है और इसके विश्व में और भारत के लिए क्या महत्व है। तो यह जो अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है, धरोहर है, वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल है जिन्हें समुदाय अथवा कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं। इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। तो यह जो ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसे यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका बेटर प्रोटेक्शन विश्व स्तर पर और उसके महत्व को विश्व के सामने रखना। तो अभी तक भारत में कुल 14 ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें से ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम जो एक संस्कृत नाटक है, रम्मन या जो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का एक रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल नाटक है, और मुडियट्टू जो कि केरल का एक रिचुअल नाटक एवं डांस ड्रामा है, कालबेलिया लोक गीत जो गीत एवं डांस है राजस्थान का, छऊ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रेस्टेशन ऑफ सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर, संकीर्तना यह मणिपुर से संबंधित है, और ट्रेडिशनल ब्रेस कापर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेरास ऑफ जंडियाला गुरु, योगा, नवरोज, कुंभ मेला, और 2021 में दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। तो इस प्रकार से हमारे भारत से इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। तो थैंक सो।